सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ दिस सरदाना। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इफ एक्स बाय 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। और हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ठीक है, सी कॉमा डी कब होते हैं, ठीक है, कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी, ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है क्या है, इक्वल होने चाहिए। और अगर इक्वल होना है तो क्या, ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 का यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, x बाय 3 प्लस 1, ठीक है, x बाय 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाय 3, ठीक है, y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 बाय 3, ठीक है, कॉमा 1 बाय 3, ठीक है, 5 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3। एज वी नो दैट कि हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो है इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स कैसे होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। सो एक्स प्लस 3, एक्स बाय 3 प्लस 1 जो है किसके साथ इक्वल होना चाहिए, 5 बाय 3 के साथ। और वाई माइनस 2 बाय 3 जो हमारा एलिमेंट है वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 बाय 3 के साथ। ठीक है, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट हियर एक्स बाय 3 प्लस 1, ठीक है, एक्स बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 5 बाय 3, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, वाई माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 बाय 3। इसको अगर आप इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3। ठीक है, सो दिस विल इंप्लाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स बाय 3 में से हम 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, x बाय 3 में से हम 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 बाय 3 माइनस 1, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और अगर डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम होता है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 बाय 3, सो दिस विल इंप्लाई दैट इज x इज इक्वल टू 5 माइनस व्हाट 3, एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाय 3, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, एंड y इज इक्वल टू 3 बाय 3, मतलब कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, देन हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, ये कह रहा है कि इफ द सेट हैज थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, इफ द सेट हैज थ्री एलिमेंट्स एंड सेट बी, सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, मतलब इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए क्रॉस बी। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हमने देखा था, वी नो दैट, ठीक है, या फिर आप पहले इसको गिवन लिख लो, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 ए हैज थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ बी है ना, मतलब बी में कितने एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है, 3, 4 एंड 5, मतलब 3 एलिमेंट्स है, चेक कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी नो दैट इन द इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, तीन है, ठीक है, इनटू ऑर्डर ऑफ बी कितना है, तीन है, सो थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, नाइन, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी आपको दिया हुआ था और क्या बोला गया था, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है। आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, नाइन होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज नाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या कर रहा है, जी इज इक्वल टू 7 8 एंड एच इज इक्वल टू 5 4 2, ठीक है, फाइंड द जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स, ठीक है, सो राइट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर थ्री, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर थ्री, गिवन, सबसे पहले जो गिवन है हम इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 8, ठीक है, जी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7 8 एंड एच इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 5 4 and 2, ठीक है, 5 4 and 2, ठीक है, क्या कह रहा है ये, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, G क्रॉस H, ठीक है, G क्रॉस H, तो G क्रॉस H आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेट H हो गया आपका, मान लो कि ये जो सेट है वो आपका G है और ये जो सेट है वो आपका H है, ठीक है, तो यहाँ पे G में कौन से एलिमेंट्स है, हमारे पास 7 है 8 है, ठीक है, और H में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, 5 है, ठीक है, 5 है, 4 है और 2 है, ठीक है, 5 है, 4 है और 2 है, ठीक है, तो यहां पे जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, इस G के हर एलिमेंट को H के साथ पेयर करना है, ठीक है, G के हर एलिमेंट को आपको क्या करना है, H के एलिमेंट के साथ पेयर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 7 5 देन 7 4 देन 7 2, ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा, 8 5, ठीक है, देन क्या होगा, 8 4, देन क्या होना चाहिए, 8 2, ठीक है, तो अगर आप ऐसे पेयर्स लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, 7 5, ठीक है, देन क्या आएगा हमारा, ठीक है, 7 4, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, 7 2, ठीक है, 7 2, देन क्या आएगा हमारा, 8 5, ठीक है, 8 5, देन होगा हमारा 8 4, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, 8 2, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे H क्रॉस G फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, H क्रॉस G फाइंड आउट करेंगे, तो H क्रॉस G में भी सेम हम लॉजिक यूज करेंगे, यहाँ पे आप दे दो H और यहाँ पे आप दे दो G, ठीक है, तो H में कितने एलिमेंट्स है, 5 है, 4 है, 2 है, और G में कितने एलिमेंट्स है, 7 है और 8 है, ठीक है, तो फिर से अगर आपको H क्रॉस G फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, H के हर एलिमेंट को G के हर एलिमेंट के साथ हमें पेयर करना है, तो 5 इज रिलेटेड टू 7, ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 इज पेयर्ड विथ 8, ठीक है, सिमिलरली 4 इज पेयर विथ 4 जो है उसको हमें 7 के साथ पेयर करना पड़ेगा, 4 को हमें 8 के साथ भी पेयर करना पड़ेगा, एंड 2 इज पेयर्ड विथ 7, देन 2 इज पेयर्ड विथ 8, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, 5 7, ठीक है, क्या बनेगा, 5 7, देन क्या आएगा, 5 8, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, 4 7 4 8, ठीक है, तो 4 7 4 8, ठीक है, 4 7 4 8, देन क्या होगा हमारा, 2 7 2 8, ठीक है, सो 2 7 2 8, ठीक है, 2 7 2 8, सो यू कैन क्लियरली सी हियर, ठीक है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G है वो आपको नॉट इक्वल मिलता है, ठीक है, बट दोनों का ऑर्डर जो है क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने सारे पेयर्स जो है लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो हमें पता है फिर से ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हैं या नहीं लिखे, उसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारे पास 2 है, सो ऑर्डर ऑफ एच जो है हमारे पास 3 है, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, तो H क्रॉस G कितना आना चाहिए, 6, देखो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चेक कर लो आप लोग, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, देन बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या कह रहा है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें देखना है कि जो ये स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिए हुए हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, और अगर ट्रू है फॉल्स है तो आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 का, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, इफ एम कॉमा पी इज इक्वल टू एम कॉमा एन एंड क्यू इज इक्वल टू एन कॉमा एन,
देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा एम कॉमा एन और एन कॉमा एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स से देखने का। अभी हमने जस्ट देखा था कि ऑर्डर ऑफ पी क्रॉस एम कितना होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पी इंटू ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑर्डर ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ पी, पी में कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, क्यू में भी कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, तो पी का ऑर्डर हो जाएगा टू, क्यू का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा टू, अब टू इंटू टू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इज इक्वल टू फोर, ठीक है, टू इंटू टू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इज इक्वल टू फोर, बट यहाँ पे फोर एलिमेंट्स है क्या, ठीक है, यहाँ पे फोर एलिमेंट्स है क्या, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ओनली कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स है, ओनली टू एलिमेंट्स है, और अगर यहाँ पे टू एलिमेंट्स है दैट मीन्स व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इसमें आप क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, और इसको अगर हमें करेक्ट लिखना है तो हम करेक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है, पी क्रॉस क्यू हमें फाइंड आउट करना है इफ, ठीक है, गिवन P is equals to आपको कितना दिया है, P is equals to आपको क्या दिया हुआ है m comma n, Q is equals to आपको कितना दिया हुआ है n comma m, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, P cross Q, so अगर P is equals to mn है और Q is equals to nm है तो P cross Q होना चाहिए। फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, मान लो ये हमारा P है, मान लो ये हमारा Q है, इसमें एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं mn, इसमें एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं nm, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें P cross Q फाइंड आउट करना है तो P के हर एलिमेंट को हमें Q के हर एलिमेंट के साथ क्या करना है, पेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे m का पेयर हो जाएगा n, फिर से m का पेयर हो जाएगा m, देन n का पेयर n एंड देन n का पेयर m, ठीक है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे m कॉमा n, देन क्या आएगा m कॉमा m, ठीक है, देन क्या आएगा m कॉमा n, देन क्या आना चाहिए हमारा n कॉमा n, ठीक है, n कॉमा n, देन क्या होगा हमारा n कॉमा m, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा n कॉमा m, ठीक है। सो दिस इज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेट ऑफ P क्रॉस Q, ठीक है, P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, फोर एलिमेंट्स होने चाहिए थे, दिख रहे आपको MN, MM, NN, NM, तो टोटल कितने पेयर्स हो गई, फोर पेयर्स हो गई। सो अगेन, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था होता क्या क्या था, फॉल्स था, ये क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देन स्टेटमेंट नंबर टू, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर टू की तरफ आते हैं, ये क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगेन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है, इट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट वी कैन से, ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है, सिंस, ठीक है, सिंस डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देन सेकंड क्या है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू वन टू, बी इज इक्वल टू टू थ्री, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है। सो सिंस बी का अगर आप इंटरसेक्शन किसी एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, और एम्प्टी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो बी इंटरसेक्शन अगर आप फाइ के साथ लेते हैं, किसी एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, एम्प्टी ही मिलेगा। और देन इसको अगर आप ऑपरेट कर दे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइ, ठीक है, बी इंटरसेक्शन फाइ इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए क्रॉस फाइव, और ए क्रॉस अगर आप किसी भी एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अगेन एम्प्टी मिलता है। दैट मींस व्हाट, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है यहां पे, ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, थ्री सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और तीनों भी सेट हमारे कैसे हैं यहाँ पे, इक्वल है, ठीक है, तीनों भी सेट्स हमारे यहाँ पे कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे गिवन, ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस वन कॉमा वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली
A क्रॉस A फाइंड आउट करने के बजाय सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, A क्रॉस A फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे हम, A क्रॉस A फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं इनको इस सेट्स के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये है और ये भी क्या है, आपका A है। तो यहाँ पे A में एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, -1, 1, और यहाँ पे भी क्या है, -1, 1, ठीक है। तो आपको इनकी क्या करनी होती है, A का हर एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, इस A के हर एलिमेंट के साथ पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप किस तरीके से पेयर बनाएंगे, -1 का -1 के साथ, देन -1 का 1 के साथ, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, 1 को -1 के साथ लिखेंगे, और देन अगेन 1 को आप किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पेयर्ड बनाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा, -1, -1, ठीक है, -1, -1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, -1, 1, ठीक है, क्या आएगा, -1, 1, ठीक है। देन क्या आना चाहिए, 1, -1, ठीक है, 1, -1, ठीक है। एंड देन थर्ड क्या है, फोर्थ क्या आएगा हमारा, 1, 1, ठीक है, क्या आना चाहिए, 1, 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, A क्रॉस A, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इस A क्रॉस A का क्रॉस लेंगे फिर से A के साथ, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। सो A क्रॉस A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से फिर से आप इस सेट को लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि A क्रॉस A है, A क्रॉस A का हमें क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, A के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो सेट है इसको आप A क्रॉस A दे दो, और इसको हम दे देंगे A, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, A क्रॉस A अगर आप देते हो तो इसमें कौन से एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है, -1, -1 है, ठीक है, -1, -1 है, देन हमारा -1, 1 है, ठीक है, देन क्या है हमारा, 1, -1 है, एंड देन क्या है हमारा, 1, 1, ठीक है। और इस A में एलिमेंट्स कौन से हमारे, -1 एंड 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस एलिमेंट का पेयर इसके साथ होगा, ठीक है, -1, -1 को हम -1 के साथ पेयर करेंगे, फिर -1, -1 को हम 1 के साथ पेयर करेंगे, सिमिलरली -1, 1 को हम -1 के साथ पेयर करेंगे, फिर से -1 और 1 को हम 1 के साथ पेयर करेंगे, सिमिलरली ये जो 1, -1 है इसको हम -1 के साथ पेयर करेंगे, है ना। और ये जो 1, -1 है आपको फिर से किसके साथ पेयर करना पड़ेगा, 1 का, मतलब क्या करना है, कहने का मतलब क्या है कि इस सेट का हर एलिमेंट जो है, इस सेट के हर एलिमेंट का पेयर जो है वो आपको इस एलिमेंट के साथ, इस सेट के एलिमेंट के साथ बनाना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, इस सेट के हर एलिमेंट का पेयर आपको इस सेट के हर एलिमेंट के साथ बनाना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि -1, -1 उन्होंने यहाँ पे पेयर बना लिए, ठीक है, देन क्या बचता है, 1, 1, सो फिर से आप 1, 1 को क्या करेंगे, -1 के साथ लिखेंगे, और फिर से यहाँ पे 1, 1 को हम क्या करेंगे, 1 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, -1, -1, -1, तो क्या हो जाएगा, -1, -1, -1 फर्स्ट हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो, -1, -1, 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, -1, 1, ठीक है। देन थर्ड क्या है हमारा, देखो -1, 1, -1, ठीक है, तो -1, 1, -1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, -1, 1, 1, ठीक है, तो -1, 1 को आप 1 के साथ लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, 1, -1, -1, ठीक है, सो 1, -1, -1, देन ये 1, -1 को आप फिर से 1 के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, 1, -1, 1, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा, फोर्थ एलिमेंट क्या है इसमें हमारा, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट क्या है हमारा, 1, 1, और यहाँ पे फोर्थ क्या है, -1, ठीक है। तो इस 1, 1 को हम किसके साथ पेयर करेंगे, -1 के साथ, ठीक है, एंड देन इस 1, 1 को अगेन आप किसके साथ पेयर करेंगे, 1 के साथ, सो 1, 1, 1, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज A क्रॉस A, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, A क्रॉस A, मतलब आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A क्रॉस A अगर चेक करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस A, तो कितना हो जाएगा, देखो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गए, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ A क्रॉस A का हमने क्रॉस किसके साथ लिया हुआ है, A के साथ लिया हुआ है, तो A में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू आपके पास 2 है, और ऑर्डर हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ A क्रॉस, ठीक है, A क्रॉस A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस A, ठीक है,
क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए कितना है, 4 है, इनटू ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने होने चाहिए, 8, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, कितने एलिमेंट्स आए हमारे टोटल, 8 एलिमेंट देख सकते हो आप यहाँ पे, चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखी है कार्टेशियन सेट में, आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखी है वो आपने करेक्ट लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। अगर आपको कोई शंका हो, कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया कि भैया 8 एलिमेंट्स जो है उसमें होने चाहिए, तो हमने गिन लिया यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है या नहीं है, तो यहाँ पे बराबर कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। सो आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग जाएंगे, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू, यहां पे ए सेट ए बी सी और डी आपको यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहां पे, सेट ए बी सी एंड डी, ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए, ठीक है, सेट सी में भी आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और क्या कहा है इन्हें, इन्होंने, ठीक है, वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड सेकंड हमें क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग LHS RHS कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे तो हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड बी क्रॉस डी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सबसेट मतलब क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी क्रॉस डी में होने चाहिए। अगर ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में प्रेजेंट रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो हम लोग यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, सबसे पहले क्या जो गिवन है हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, गिवन ए इज इक्वल्स टू आपको यहां पे दिया हुआ है, दैट इज 1, 2, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 1, 2 है, देन बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड देन हमारे पास सी इज इक्वल्स टू है, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू 5, 6, ठीक है, C is equals to हमारे पास है 5, 6, एंड D is equals to जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 7 and 8, ठीक है, 5, 6, 7 and 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करो, ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे आप, B इंटरसेक्शन C। तो अगर आप B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करते हो तो B के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ लेना है, C के साथ लेना है, ठीक है। सो C के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे C क्या है हमारे पास, 5, 6, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो कैसे डिस्टिंक्ट है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सो यू कैन सी देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, यहां पे इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसी का अगर आप क्रॉस ले लो, ठीक है, ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग किसका, ए एंड बी इंटरसेक्शन सी का, तो ए एंड बी इंटरसेक्शन सी का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है, 5 फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये आपका एम्प्टी हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हमने किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम एम्प्टी सेट के साथ फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्यों एम्प्टी आएगा बेटा, क्यों एम्प्टी आएगा, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो अगर सेट 5 में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो वहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगी ही नहीं, है ना, बनेगी क्या, नहीं बनेगी, चेक कर लो आप, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर आप किसी एम्प्टी सेट के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगी ही नहीं, और अगर ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बनी तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ये हमारा क्या आना चाहिए, 5, इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है। देन हम लोग LHS उसका कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, आप A क्रॉस B पहले फाइंड आउट कर लो, ठीक है, A क्रॉस B अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप रफ में कर सकते हो, ठीक है, इसे
आप रफ में इसको कर सकते हो कि मान लो ये आपका सेट ए है और आपका सेट जो है वो बी है, ठीक है। मैं क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए में कौन से एलिमेंट है बेटा, वन है, टू है, ठीक है ना। देन बी में कौन से एलिमेंट है, वन है, टू है, थ्री है एंड फोर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में ए के सारे एलिमेंट हम लोग पेयर करते हैं किसके साथ, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वन किसके साथ पेयर होगा, वन के साथ, देन वन इज टू के साथ, देन थ्री के साथ एंड देन फोर के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, टू को आप पेयर करेंगे टू वन के साथ, देन फिर से टू टू के साथ, देन टू थ्री के साथ, देन टू फोर के साथ। तो आपको ए इंटर ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वन वन, ठीक है। देन क्या आएगा, वन टू, देन कितना आएगा, वन थ्री एंड देन क्या आना चाहिए, वन फोर, ठीक है। सेकंड क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो टू वन, ठीक है, कितना आएगा, टू वन आएगा, देन कितना आएगा, टू टू आएगा, देन टू थ्री आएगा, ठीक है। देन क्या आएगा, टू थ्री आएगा, देन क्या आना चाहिए, टू फोर, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, टू फोर। सो ये हो गया बेटा हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, ए क्रॉस बी, ठीक है। देन क्या फाइंड आउट करना है हमें, नेक्स्ट इज ए क्रॉस की, ए क्रॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे आप देखो ए क्रॉस सी अगर फाइंड आउट करते हैं तो फिर से इसी तरीके के मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा क्या हो जाता है ना, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना आपको थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा क्या हो जाता है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी, दिस इज क्रॉस, ठीक है। और ए में कौन से एलिमेंट है, फिर से वन टू है, और सी में क्या एलिमेंट है हमारे, फाइव एंड सिक्स है। तो फिर से ए के सारे एलिमेंट को हम लोग सी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर करेंगे। सो वन इज पेयर्ड विथ फाइव, वन इज पेयर्ड विथ सिक्स, ठीक है। देन और कोई पेयर पॉसिबल है क्या, नहीं है। देन टू इज पेयर्ड विथ फाइव एंड टू इज पेयर्ड विथ सिक्स, ठीक है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी, वन फाइव आएगा फर्स्ट, देन कितना आना चाहिए, वन सिक्स आएगा, देन कितना आएगा हमारा, टू फाइव एंड देन क्या आएगा हमारा, टू सिक्स, कितना आएगा, टू सिक्स। सो ये हो गया हमारा ए क्रॉस सी, ठीक है ना सर। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमें क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन आप किसके साथ लेंगे, ए क्रॉस के से सी के साथ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुली देखो, ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। और हमें पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर हमें ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन में ए क्रॉस सी के साथ हम ले रहे हैं तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, तो आप देखो यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिखता है क्या, ठीक है। वन फाइव यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। वन फाइव यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी कॉमन नहीं है। वन सिक्स कहीं पे आपको दिख रहा है, ठीक है, चेक कर लो प्रॉपरली, नहीं है, ठीक है, एक वन सिक्स भी यहाँ पे नहीं है। टू फाइव अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा हो तो, ठीक है, नहीं है, टू फाइव भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। और टू सिक्स अगर कहीं पे दिख रहा हो तो भैया यहाँ पे टू सिक्स भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों सेट्स में, ठीक है, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। और कॉमन नहीं है तो भैया इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, कितना आएगा, एम्प्टी, कितना आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू अगर आप देखोगे तो इसका जो RHS है वो दोनों क्या है, एम्प्टी है। इक्वेशन वन का भी RHS एम्प्टी है, इक्वेशन टू का भी RHS एम्प्टी है। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। सो ये इक्वेशन जो है वो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इक्वेशन वन इज वेरीफाइड, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर वन इज वेरीफाइड, ठीक है। सो यहाँ पे वन इज वेरीफाइड, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन इज वेरीफाइड। सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी देखेंगे, ए क्रॉस सी ये बी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं। तो ए क्रॉस सी तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, इसमें से बी क्रॉस डी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बी क्रॉस डी अगर आपको कहीं पे दिखता हो तो आप फटाफट फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। तो आप यहां पर देखिए, ठीक है, बी क्रॉस डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो बी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू, तो फिर से आपको क्या करना है, इसी तरीके की मेथड का आप फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपको पेयर बनाना थोड़ा सा
आसान हो जाता है, ठीक है, आसानी से जो है आप पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बी जो है हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है 3 है और 4 है, ठीक है ना। देन यहाँ पे डी है ना, बी क्रॉस डी हमें फाइंड आउट करना है ना, बी क्रॉस डी। सो डी जो है हमारा क्या है यहाँ पे, 5 है, ठीक है, 6 है 7 है और 8 है, ठीक है। एक बात फिर से आपको यहाँ पे मैं रिमाइंड करा दूं, ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, इस सेट के सारे एलिमेंट आपको पेयर करने होते हैं किसके साथ, इस सेट के साथ, ठीक है। तो आप देखो 1 से किसके साथ पेयर होगा, 5, और अगर B क्रॉस D लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B से आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो B से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है वो D से आना चाहिए। सो 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, देन 1 7 हो जाएगा, ठीक है, देन क्या होगा हमारा 1 8 हो जाएगा, ठीक है। देन सिमिलरली 2 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 7, ठीक है, और देन क्या होना चाहिए, 2 8। सिमिलरली 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। सिमिलरली 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, ठीक है। तो इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1 5 1 6 then 1 7 1 8, ठीक है, देन क्या आएगा 2 5 2 6 2 7 then 2 8, ठीक है, देन क्या आएगा हमारा 3 5 3 6 3 7 then 3 8। सिमिलरली नेक्स्ट क्या, लास्ट एलिमेंट इज 4, तो कैसे लिखेंगे, 4 5 4 6, ठीक है, देन 4 7 एंड देन कितना होगा हमारा 4 8, ठीक है। तो अभी आपको यहां पे क्या करना है, वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे देखो, सबसेट कब होता है, A इज अ सबसेट ऑफ B हम कब बोलते हैं, व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B व्हेन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, मतलब सारे A के सारे एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 5 1 5, आपको यहां पे कहीं दिख रहा है कि आप देख सकते हो 1 5 है, ठीक है, सो 1 5 इज प्रेजेंट, ठीक है। देन यहां पे आप देखो 1 6, आप प्रॉपरली चेक कर लो, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 6 आपको दिख रहा है, तो भैया 1 6 भी यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे 1 6 भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन 2 5 आपको देखो कहीं दिखता है क्या, यहां पे देखो 2 5 प्रेजेंट है, तो ये 2 5 भी इसमें प्रेजेंट है। देन 2 6 देखो, यहां पे 2 6 भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स जो है वो B क्रॉस D में प्रेजेंट है, ठीक है। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट जो है किसमें प्रेजेंट है, B क्रॉस D में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, क्लियरली क्या हो गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, A क्रॉस C, ठीक है, इज अ सबसेट, ठीक है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस इक्वेशन नंबर 2 इज वेरीफाइड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के जो ना बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन इट इज अ नंबर गेम, वही है, नजर हटी हमारी तो दुर्घटना घटी, तो बहुत पेशेंस से, ठीक है, बहुत प्रिकॉशन लेके आपको इनको जो है वो सॉल्व करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर एट क्या बोल रहा है बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, क्या कह रहा है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 एंड B इज इक्वल्स टू 3 4, ठीक है। A में आपको एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 और B में क्या दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है। राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B विल हैव, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, A क्रॉस B पहले फाइंड आउट करना है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, और A क्रॉस B फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है कि A क्रॉस B के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, थीके? हमारा जब चैप्टर नंबर 1 हुआ था तो उसमें हमने पावर सेट देखा था। पावर सेट क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो वही आपको यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। तो यहां पे आप देखो गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू जो है वो आपको 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड B इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। B इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या दिया हुआ है,
3-4 दिया हुआ है। तो अगर आप इसका क्रॉस फाइंड आउट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ए क्रॉस बी में, ठीक है। फिर से आप इसी लॉजिक का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम दो सेट्स बना लेंगे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है ना। यहाँ पे आप ले लेंगे 1-2 और यहाँ पे हम ले लेंगे 3-4, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। सो अगेन वी नो दैट कि ए को हम 3 के साथ पेयर करेंगे, ए को हम 4 के साथ पेयर करेंगे, देन 2 को हम 3 के साथ पेयर करेंगे, 2 को हम 4 के साथ पेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम पेयर करते हैं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, 1-3 मिलेगा, ठीक है। देन क्या मिलेगा, 1-4, देन क्या आना चाहिए आपका 2-3, और देन क्या हो जाएगा हमारा 2-4। तो ये ए तो हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अभी हमें क्या देखना है कि इसके कितने सबसेट्स जो है पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, सारे सबसेट जो है फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके सबसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला सेट, सबसेट क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट, है ना। वी नो दैट द एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। देन क्या करना होता है, सिंगल एलिमेंट का सेट बनाऊंगे। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट क्या है, 1-3, 1-4, 2-3 एंड 2-4, मतलब ये एक एलिमेंट है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, एक एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी सिंगल एलिमेंट के सेट्स बनाएंगे। तो सिंगल एलिमेंट में क्या आ जाएगा, 1-3 आ जाएगा, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 1-4 आ जाएगा, ठीक है। देन तीसरा जो सेट हमारा क्या बनेगा, 2-3, ठीक है। देन क्या आएगा, 2-4, ठीक है, 2-4 सेट, ठीक है। देन ये हो गया हमारे सिंगल एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। देन बाद में हमें क्या करना है, इसको डबल एलिमेंट्स के सेट में कंटिन्यू करना है, ठीक है। डबल एलिमेंट्स मतलब क्या, जिसमें दो दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, दो एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, 1-3, 1-4, ठीक है, 1-3, 1-4 हो गया, देन 1-3, 2-3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1-3, 2-3, ठीक है। देन क्या होगा नेक्स्ट, देखो 1-3, 1-4 हो गया, 1-3, 2-3 हो गया, देन क्या आएगा, 1-3, 2-4, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, 1-3, 2-4, ठीक है, 1-3, 2-4। ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सबसेट, ठीक है। देन सेकंड एलिमेंट के साथ लो, सेकंड एलिमेंट पे 1-3, 1-4 कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है 1-3, 1-4। देन नेक्स्ट क्या होगा, 1-4, 2-3, ठीक है, क्या होगा, 1-4, 2-3, ठीक है, 1-4, 2-3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे देखो 1-4, 2-3 हो गया, देन 1-4, 2-4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1-4, 2-4, ठीक है, 1-4, 2-4। देन क्या होना चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हमने 1-3 के साथ सारे सेट सबसेट बनाए सिंगल सेट्स के, ठीक है। देन हमने 1-4 के साथ बना लिया, अभी क्या बनाएंगे, 2-3। तो 2-3 के साथ यहाँ पे 1-3, 1-4 हो सकता है क्या, ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना, 2-3, 1-3 आ गया, 1-3, 2-3, और 2-3, 1-4 आएगा क्या, 1-4, 2-3 भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी हमें किसके साथ लेना पड़ेगा, 2-3, 2-4। तो ये कितना हो जाएगा, 2-3, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 2-4, ठीक है। देन ये हो गए हमारे टू सेट्स के सबसेट, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। देन हम करेंगे 3 सेट के सबसेट, ठीक है। तो 3 सेट के सबसेट्स में क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक क्या लगाएंगे ना हम लोग, लास्ट वाला एलिमेंट निकाल देंगे, फिर बीच वाला एलिमेंट निकाल देंगे, फिर ये सेकंड वाला एलिमेंट निकाल देंगे, और फिर हम लोग लास्ट वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग इसके सबसेट बनाएंगे। पहला क्या आएगा, 1-3 आएगा, ठीक है, इसको हमें छोड़ देना है। तो ये आएगा आपका 1-4 आएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, 2-3 आ जाएगा, ठीक है। देन ये हो गया, देन सेकंड वाले इसमें क्या करेंगे, अभी 2-3 को छोड़ देंगे, 1-3, 1-4 और 2-4 को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 1-3, ठीक है, देन क्या आएगा, 1-4, ठीक है, देन क्या होना चाहिए आपका, 2-4, ठीक है। कौन सा एलिमेंट बेटा हमने छोड़ दिया यहां से, सेकंड वाला, ठीक है। देन थर्ड सबसेट में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला एलिमेंट छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, 1-3, ठीक है, देन क्या बचेगा, 2-3, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, 2-4, ठीक है, देन क्या हो जाएगा आपका, 2-4। एंड देन सिमिलरली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1-3 को छोड़ देंगे, 1-4, 2-3 और 2-4 का सबसेट बना लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, 1-4, ठीक है, 2-3, ठीक है, 2-3, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2-4। तो ये हो गए सारी पॉसिबिलिटीज। पहले हमने सिंगल सेट का सबसेट बनाया, फिर हमने डबल सेट्स के कॉम्बिनेशन बनाए, और डबल सेट्स के कॉम्बिनेशन होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन, डबल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाया, एंड देन डबल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बनाया। अब बचता क्या है, होल सेट, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो ये जो ए क्रॉस बी है खुद का सबसेट हो जाएगा। तो इसका लास्ट सबसेट आपको कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, 1-3, ठीक है, कैसे लिखना है, 1-3, ठीक है, देन क्या आपके पास, 1-4, ठीक है, देन क्या आएगा आपके पास, 2-3, ठीक है, और देन क्या आना चाहिए आपके पास,
2-4, ठीक है, क्या आ जाएगा 2-4, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम वेरीफाई कैसे करें, ठीक है, करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि P ऑफ A अगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पावर सेट आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सेट, पावर सेट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट। सो ऑर्डर ऑफ P ऑफ A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन P ऑफ A। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2^n, ठीक है, 2^n, वेयर, ठीक है, वेयर n इज, ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए होता है। तो मान लो हमारा जो सेट है ये ए है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, पी ऑफ ए है, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ये अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें क्या लिखना होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2^n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2^n, और यहां पर एन जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 and 4। तो इसमें अगर आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2^4, और 2^4 अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, एंड 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। मतलब ए क्रॉस बी के कितने पॉसिबल सबसेट्स है, 16। तो हम काउंट करते हैं हमारे पास 16 आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, देन 9, 10, 11, देन 12, 13, 14, 15, ठीक है, और देन यहां पे कितने हैं, 16। सो वी कैन सी देयर आर द 16 नंबर ऑफ सबसेट्स, सो आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पेशेंस से और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस रखे ये जो सारी पेयर्स है वो आपको बनानी होती है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, हम बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ कि हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कर रहा है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, मतलब दो सेट्स जो है उसके आपको ऑर्डर्स दिए हुए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। इफ एक्स वन वाई टू एंड जेड वन आर इन ए क्रॉस बी, ठीक है, क्या बोला है, इफ इफ एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स वन वाई टू एंड जेड वन आर इन द ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पर हमने एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं लिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नहीं लिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं लिया था। अब इसको मैंने क्यों नहीं लिया, इसका रीजन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन आप सेम तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम साथ में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या फिर सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 का आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहां पे आप देखो फिर से आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपको यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपको यहां पे दिया हुआ है ए एक्स, ठीक है, कॉमा आपको क्या दिया हुआ है ए वाई, ठीक है, देन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है बी एक्स कॉमा बी वाई, ठीक है, और आपको क्या बोला गया है फाइंड द एलिमेंट्स, फाइंड ए एंड बी, मतलब ए एंड बी क्या होगा, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ईच ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए से होता है ना, आपको पता है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ईच कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से होगा और सेकंड एलिमेंट जो है किससे होगा, बी से होगा, ठीक है। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस इन, ठीक है, इन ईच ईच ऑर्डर्ड, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम, ठीक है, इज फ्रॉम कहां से रहेगा ए, एंड, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट इज
फ्रॉम, ठीक है, ए इज फ्रॉम, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे ए इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे ऑर्डर्ड में पेयर्स में से फर्स्ट एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए ए है, और ये क्या है, बी बी है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, ए कॉमा बी, ठीक है। देन यहां पे क्या आएगा आपका, बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपको पता है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है ए क्रॉस बी में, वो कहां से आता है, बी से आता है। तो यहां पे सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई, तो आपका सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा यहां पे, एक्स वाई, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, बहुत सिंपल सा और आसान सा सॉल्यूशन था इसका वाला, ठीक है। देन आप यहां पे देखिए एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द टू सेट्स सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एंड इफ एक्स वन वाई टू एंड जेड वन आर इन द ए क्रॉस बी, इफ एक्स वन वाई वन एंड वाई टू, एक्स वन वाई टू एंड जेड वन आर इन द ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेर एक्स वाई एंड जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, ठीक है, गिवन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका 3 है, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 3 एलिमेंट्स रहेंगे। ऑर्डर ऑफ बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2, मतलब बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। आप अज्यूम कर सकते हैं ना, आपको क्या करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 रहेगा, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। और ऑर्डर ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 2, मतलब 2 के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। और साथ में इन्होंने आपको ये भी बताया है, इन्होंने आपको ये भी बताया है कि एक्स वन वाई टू जेड वन आर इन द ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। सो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आपके क्या है, ठीक है, क्या हो जाएंगे ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, एक्स वन, ठीक है, देन वाई टू है, देन क्या है हमारा जेड वन, ठीक है, एक्स वन वाई टू एंड जेड वन। सो सिंस, ठीक है, सिंस इन, ठीक है, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए क्रॉस बी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो किससे होता है, इज फ्रॉम, ठीक है, इज फ्रॉम ए। तो यहां पे आप देखो, अगर आप ऑर्डर ए लिखोगे, सेट ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है कि हर ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ए क्रॉस बी में कहां से आता है, ए से आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पे क्या है, एक्स है, देन क्या है, वाई है, देन क्या है, जेड। तो एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड इंप्लाइज, इसका अगर आप ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा यहां पे, 3, जो आपको यहां पे ऑलरेडी दिया था, ठीक है, दैट मींस व्हाट, और आंसर इज करेक्ट, ठीक है। देन सिमिलरली आप यहां पे ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेड ए क्रॉस बी, ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो किसमें से होता है आपका, बी से होता है। तो मैं यहां पे नोट नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर लेना, ठीक है, कि सिंस कैसे लिखेंगे आप, सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेट ए क्रॉस बी, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी, और सेट बी के कौन से एलिमेंट है यहां पे, 1 है, 2 है और 1 है, ठीक है, सॉरी यहां पे 3 होगा शायद, ठीक है, यहां पे क्या होगा, सॉरी 1 ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 है, 2 है और क्या है हमारे पास, 1 है। तो यहां पे आपका b जो है वो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ b जो है वो इज इक्वल टू आपको यहां पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, ऑर्डर ऑफ b जो है आपको यहां पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे b इज इक्वल टू 1 2 मिला, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 2, व्हिच इज एग्जैक्टली सेम जो आपको यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट मींस व्हाट, और आंसर इज करेक्ट, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10, कि एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या बोला गया, ठीक है, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में, ठीक है, यहां पे क्या बोल रही है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे पहले तो गिवन लिख लो, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, यहां पे आप गिवन लिख लेंगे, क्या बोला गया है आपको, ऑर्डर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। देन क्या बोला है, अमोंग विच आर फाउंड -1 एंड 0 1, ठीक है, मतलब ए क्रॉस ए में जो पेयर्स है उनमें से कुछ पेयर्स आपको दिए, कौन सी पेयर्स है, -1 और 0 1, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, फाइंड सेट ए, देन आपको सेट ए फाइंड आउट करना है और साथ में क्या करना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये जो दो पेयर्स को छोड़ के -1 और 0, -1
जीरो और जीरो वन पेयर्स को छोड़ के बाकी की जो बची हुई पेयर्स है किसमें की ए क्रॉस ए में की वो आपको फाइंड आउट करना है और साथ में आपको क्या फाइंड करना है ए भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत फिर से सिंपल सा आसान सा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास वो फॉर्मूला है दैट इज ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, सिंस वी नो दैट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसी का मतलब क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू और 3। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। नाउ सिंस, ठीक है, सिंस फर्स्ट एलिमेंट आपको यहां पे क्या दिया हुआ है दिस -10 एंड 01 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। -10 और 01 जो किसके एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स है। तो सिंस -10 belongs to A cross A, so that means what implies, ठीक है, that means what implies कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि A cross A के ordered pair में first element जो है A का होगा, second element जो किसका होगा वो भी A का ही होगा। तो क्या हो जाएगा -1 belongs to A, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 belongs to A। Then similarly second element जो हमारा क्या है वो, ठीक है, second element हमारा क्या है यहाँ पे 01। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 01 belongs to A cross A, इसका मतलब क्या होना चाहिए बेटा, क्या हो जाएगा इसका मतलब कि 0 भी है वो A का एलिमेंट होगा और 1 भी है जो किसका एलिमेंट होगा A का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 belongs to A and 1 belongs to A। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A के कितने टोटल एलिमेंट्स है, -1 है, 0 है और क्या है 1 है। सो दिस विल इंप्लाइज आपको A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा -1 1 0। ठीक है, -1 1 0 या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ ए आपको कितना मिला था, यहाँ पे 3 मिला था और आप देख सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स है -1 0 and 1। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें रिमेनिंग पेयर्स फाइंड आउट करनी है किसकी ए क्रॉस ए की। ठीक है, तो आपके पास ए है, इस ए का यूज करके आप इसकी जो पेयर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आप सेट बना लो पहले तो। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 0 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा -1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए क्रॉस ए इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए, ठीक है, कैसे लिखेंगे ए क्रॉस ए, -1 को आप -1 के साथ पेयर करेंगे, -1 को आप 0 के साथ पेयर करेंगे, -1 को आप फिर से 1 के साथ पेयर करेंगे, देन 0 को आप -1 के साथ पेयर करेंगे, 0 को आप 0 के साथ पेयर करेंगे और 0 को आप 1 के साथ पेयर करेंगे, देन फिर से आप 1 को -1 के साथ पेयर करेंगे, 1 को आप 0 के साथ पेयर करेंगे, फिर से 1 को आप 1 के साथ पेयर करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पेयर बनाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स, -1 -1 आएगा, देन क्या आना चाहिए -1 -1 आएगा, देन क्या आएगा -1 0 आएगा, देन क्या आएगा -1 1 आएगा। ठीक है, देन क्या आना चाहिए 0 -1। ठीक है, देन क्या आएगा 0, 0। ठीक है, देन क्या आना चाहिए 0, 1। देन क्या आएगा 1, -1, देन 1, 0 और देन कितना आना चाहिए 1, 1। ठीक है, 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो A क्रॉस A है इसमें टोटल हमें कितने एलिमेंट्स मिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है, तो आप देख सकते थे कि ऑर्डर ऑफ A क्रॉस A कितना था 9 था और ऑब्वियस हमें उसके एलिमेंट्स कितने मिलने चाहिए थे 9, जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना था कि जो एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए जैसे -1, 0 और 0, 1 आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इनको छोड़ के जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड थी ऑर्डर्ड पेयर्स थी वो आपको देखनी थी। ठीक है, तो -1, 0 और 0, 1 को आप छोड़ दो, ये हो गया आपका -1, 0 और 0, 1। ठीक है, तो इसको छोड़ के रिमेनिंग पेयर्स हमारी कौन सी है, सो क्लियरली, ठीक है, क्लियरली -1, -1। ठीक है, -1, 0 को हम छोड़ देंगे, -1, 1। ठीक है, देन 0, -1, देन 0, 0। ठीक है, 0, 0, देन 1, -1। ठीक है, ये 0, 1 हमें छोड़ देना क्योंकि आपको दिया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, देन क्या है हमारा 1, 0। ठीक है, देन क्या है 1, 1 आर, ठीक है, आर द रिमेनिंग, ठीक है, आर द रिमेनिंग, ठीक है, आर द रिमेनिंग
ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, आर द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, किसके ऑर्डर्ड पेयर्स है, ए क्रॉस ए के साथ, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 वो यहाँ पे खत्म होता है।